नमस्कार किसान साथियों, बात करते हैं प्याज को लेकर और प्याज के भाव को लेकर। किसान साथियों, ओनियन एक्सपोर्ट जो रिपोर्ट है, खास तौर पर बांग्लादेश की जो स्थिति है इस समय कैसी देखने को मिल रही है, प्याज का भाव, प्याज का स्तर, बांग्लादेश में जो प्याज का स्टॉक है किसान साथियों, क्या वास्तव में ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुका है या तेज़ी आने की उम्मीद हल्की सी भी कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सही और सटीक जानकारी के द्वारा बताऊंगा। आपसे अनुरोध हमारा बस इतना, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले समय में हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। किसान साथियों, अगर सबसे पहले निर्यात की बात करें तो बहुत ही धीमी गति से जो निर्यात है वो बांग्लादेश की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो निर्यात है वो हो रहा है, लेकिन अगर बांग्लादेश के स्टॉक की बात करें तो ये बात भी सच है कि बांग्लादेश में जो स्टॉक है वो ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुका है, तो आने वाले समय में निर्यात होने की उम्मीद भी बढ़ सकती है। ऐसे में अगर इंडिया के रेट की बात करें तो इंडिया में जो रेट हैं वो 1000 रुपये से लेकर 1400 के बीच में देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर मोस्टली मंडियों में। और किसान साथियों, इंडिया में इस समय जो रेट की प्याज की जो कीमत है बहुत ही ज़्यादा डाउन होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले समय की अगर बात करें तो तेज़ी आने की उम्मीद लग सकती है। किसान साथियों, फिर भी आप अपनी जो फसल का निर्णय है वो अपने निजी विवेक के अनुसार लें, क्योंकि आपकी फसल है, आपको बेचना है या नहीं इसका फैसला आप खुद अपने निजी विवेक के अनुसार लें।